दोस्तों, मैं इस समय कब्रिस्तान में हूँ। आप देख रहे हैं इस कब्रिस्तान का नज़ारा। भगवान भास्कर अस्तांचल की तरफ जा चुके हैं। तमाम यहाँ पार्थिव शरीर दफनाए गए हैं। कुछ को मिट्टी दी गई है, कुछ को पक्का स्वरूप दे दिया गया है। यह लाखौरी ईंटों को भी आप देख रहे हैं, यह तमाम कब्र आप देख रहे हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं जिसको ढूंढ रहा था, मुकाम आखिर मिल ही गया। मैं ढूंढ रहा था महान अदाकारा, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जिसकी माती भूमिका थी, जिसकी फिल्मों को, जिसके नाम पर बनी हुई फिल्म को करोड़ों लोगों ने देखा है। जी हाँ, मैं नाम लेना चाहूँगा उमराव जान का। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। पाकीजा और उमराव जान दो फिल्में ऐसी हैं जो काफ़ी चर्चित हुई हैं। हम इस समय उन्हीं के मकबरे के पास हैं। बताना चाहेंगे कि फैजाबाद में जन्म हुआ था, वहीं उन्होंने संगीत का कार्यक्रम शुरू किया था। तवायब थी, तवायब का बड़ा महत्व था। राजघराने के लोग वहाँ जाया करते थे संगीत सीखने। शेरो शायरी का अच्छा हुनर था। बाद में उन्हें धोखा भी मिला। लग रहा था कि उनका परिवार बस जाएगा। नवाब साहब से उनकी अच्छी दोस्ती हुई थी, नवाब साहब उन्हें अपना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धोखा मिलने के बाद वह घूमते घूमते अंतिम समय उनका वाराणसी में कटा था। दाल मंडी में आकर बाद में वह नमाज भी पढ़ती थी, परवरदिगार को याद करती थी। अंततः उन्होंने अंतिम सांस वाराणसी में ही लिया और यहीं उनका यह मकबरा बना है जिसे आप देख रहे हैं। यह धन्य है वह मिट्टी जिसे हम आप सभी को दिखा रहे हैं। मैं इस मिट्टी को नमन करता हूं और अपने माथे लगा रहा हूं। निश्चित रूप से ऐसे महान अदाकारा की यह मिट्टी है। दोस्तों, आप सभी को लगता होगा शास्त्र और उपनिषद तमाम धर्म ग्रंथों में तवायब लोगों का बड़ा महत्व है। हमारे साथ जुड़ गए इस समय डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काशी का बड़ा नाम है वाराणसी का। डॉक्टर साहब, आप बताएं इनके बारे में। आपके बगल में ही इनकी कब्र है। बहुत से लोग जानते ही नहीं कि वाराणसी में ऐसी महान अदाकारा जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के तमाम क्रांतिकारियों को आश्रय दिया और जो कोठे पर पैसे मिलते थे वह दे करके क्रांतिकारियों की मदद करती थी, राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? उमराव जान जी मूलतः शायरा थी जी, शायरी करती, बहुत उम्दा शायरी करती थी और एक बेहद खूबसूरत हुस्न की मलिका भी थी साथ साथ जी। और जो उनका पुश्तैनी पेशा था वो तो तवायफ का पेशा था, लेकिन तवायफों के बारे में भी जिस तरीके की भ्रांतियाँ कही जाती हैं, केवल वही तवायफ नहीं होती है। तवायफ हमारे समाज का वह हिस्सा है और या हम तो यूँ कहेंगे कि वो एक तालीम की अहम जगह भी हुआ करती है। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है, लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए या तो जंगलों में अपना ऋषि मुनियों के आश्रम में या में जाया करते थे, लेकिन तहजीब सीखने के लिए तो किसी तवायफ के कोठे पर ही अपने बच्चों को राजा महाराजा भी और जो भी लोग एफर्ट कर सकते थे वहाँ भेजते थे। तो और उसमें उमराव जान तो हमारे इतिहास की, हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की एक मजबूत कड़ी रही है, एक मजबूत आधारशिला रही है। उस समय जब हमारे क्रांतिकारी साथियों के पास खाने के लिए नहीं होता था, छिपने के लिए जगह नहीं होता था, पूरी सरकार उनको ढूंढती फिरती थी, वो बेचारे भागे भागे फिरते थे, एक बहुत बड़ा आश्रय स्थल जगह देती हमारे उमराव जान, खिलाती पिलाती थी, पैसे भी देती थी। हमारे उमराव जान का जो कोठा था वो एक बहुत बड़ा आश्रय स्थल के रूप में था। और फिर उसी दौरान राजा महाराजाओं से, लखनऊ के नवाब से भी उनकी दोस्ती हुई और वो दोस्ती कुछ परवान भी चढ़ी, लेकिन अंततः जो हमारे यहाँ सामाजिक बेड़ियाँ हैं कि एक तवायफ को कैसे घर में उसने तोड़ दिया, उसके चलते और फिर इनका दिल भी टूटा, फिर उनका परिवार, हाँ दिल भी टूटा और वाराणसी में आ गए। और फिर वहाँ से तिवारी जी, जो उमराव जान फिल्म आई थी उसको काफ़ी लोगों ने देख करके जाना कि उमराव जान कौन थी, लेकिन लोग बहुलता में यह नहीं जानते कि उन्होंने अंतिम सांस वाराणसी में ही लिया था। एक गीत उनका आपको याद होगा, दिल चीज क्या है, एक गीत जैसे उनकी फिल्म का ही है। हाँ जी, मशहूर हुआ है और ख़ास करके क्योंकि उमराव जान की पहचान तो आज की तारीख में उसी गीत से हो जाती है। हाँ जी,
दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। क्या बात, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा। तो उनके शायरों में, उनकी शायरी में, उनके गीत में, उनके मुजरों में भी आप देखेंगे कि ठीक है मनोरंजनार्थ तो था, लेकिन उसमें से वो अपने मिट्टी की मोहब्बत और अपने आंदोलन की आवाज़ उसमें से निकलती थी। लेकिन एक लाइनें हम लोगों को भी बल देती हैं, अक्सर मैं उसका उल्लेख भी करता रहता हूँ, मुश्किल नहीं है। मुश्किल हाँ, एक बार गुनगुना। नहीं है यार कुछ भी अगर, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार क्या बात है मेरा कहा मान लीजिए। उसमें कहीं ना कहीं जज्बा है कि आगे बढ़ो, लड़ो, यह साम्राज्य कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, सूरज अस्त नहीं होता, ये सब कहना, यह स्ट्रांग विल पावर, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मबल, और ललकार रहा है यह गीत कि बेटा आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, यह सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, और इनको खदेड़ के दम लो, देश से भगा करके ही दम लो। कुल मिलाकर के आज मुझे प्रसन्नता हो रही है। देखिए यह उर्दू में लिखा हुआ है, मैं तो नहीं पढ़ पाता उर्दू, आप इसको देख सकते हैं। तमाम हमारे विद्वान साथी विदेशों में हैं, हजारों की संख्या में जो मुझसे जुड़े रहते हैं, वैचारिक आदान प्रदान होता रहता है, उनसे मैं चाहूँगा इसको देखकर पढ़कर बताएंगे। और यह मिट्टी जो इनके कब्र पर रखी हुई है, इसे पुनः नमन करता हूँ, सर माथे पर लगाता हूँ। यह देखिए, उमराव बेगम लखनवी, वफात 1359 हिजरी, सन 1937। यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और कच्ची मजार थी, जिसे बाद में पिछले साल एक दो साल पहले इसे थोड़ी भव्यता प्रदान की गई है। तमाम साथियों से मैं चाहूँगा कि यहाँ भी एक बार आकर के इस महान अदाकारा और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में जिनकी गणना होती है, यहाँ एक बार आकर आप भी मत्था टेकें, आपको नूतन ऊर्जा का संचार होगा और आप सभी को अच्छा लगेगा। शाम का वक्त है, कब्रिस्तान है, सुनासाना है, और हम दो मित्र आ गए हैं यहाँ, कुछ और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान भास्कर भी अस्तांचल की तरफ चले गए हैं। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छे दिन के रूप में मैं इसे ले रहा हूँ, आज के शाम जिसे जहाँ आज मैं आकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। आज हम हैं 13 अक्टूबर 2018 को, यह फातमान इलाका है, फातमान कब्रगाह भी इसे कहते हैं, कब्रिस्तान है, और इधर तमाम देख रहे हैं आप कब्र हैं, यह इसमें झाड़ियां हैं, घासें लगी हुई हैं। मैं पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, ऐसे तमाम पक्ष मैं आप से रूबरू कराता हूँ, आपसे मिलवाता हूँ, बताता हूँ, शेयर करता हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। हम आपके विचार को सादर आमंत्रित कर रहे हैं, सभी का हम जवाब भी देते हैं। सभी के प्रति ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।